नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत करता हूँ मैं आप सब लोगों का आपके अपने ब्लॉग आज की यात्रा में। तो आज की यात्रा में हम मौजूद हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत पावन स्थली सीतामढ़ी में। और आज हम आप लोगों को अवलोकन करवाने वाले हैं सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी की अगर बात करें तो सीतामढ़ी वो स्थल है जहाँ पर माँ सीता अपने ऊपर लांछन लगने के बाद माँ धरती की गोद में समाहित हो जाती हैं। और यहीं पर वनवास काल के दूसरे जो है कठिन वनवास काल के समय माँ सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जो है अपने दिन गुजारे थे। महर्षि वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पर है। और यहीं पर जो है भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों यानी लव और कुश का जन्म होता है। और यहीं पर हनुमान जी को लव और कुश के द्वारा बंधक बनाया गया था यानी कि बंदी बनाया गया था। तो इस वक्त हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं। अभी आप लोगों को लेकर चलते हैं और अवलोकन करवाएंगे और यहाँ का पूरा परिदृश्य पूरा परिक्षेत्र आप लोगों को दिखाएंगे। और जैसा कि यहाँ पर एक हनुमान जी की 108 फीट की विशाल काय प्रतिमा भी है। तो अभी हम लेकर चलते हैं और आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आप लोगों को हनुमान जी की प्रतिमा का अवलोकन करवाएंगे और यहाँ से अवलोकन करवाते हुए सीधा लेकर चलेंगे सीतामढ़ी यानी कि जहाँ पर सीता समाहित स्थल है उस जगह पर लेकर चलेंगे और वहाँ पर जो है आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या है उसका पूरा इतिहास। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को हनुमान जी की विशाल काय प्रतिमा जिसकी ऊँचाई 108 फीट है उसका अवलोकन करवाते हैं। और यहाँ पर जो है इनके जस्ट नीचे जो है गुफा बनी हुई है, मंदिर है, उसका अवलोकन करवाते हैं। और इसका यहाँ का जो है पूरा परिक्षेत्र आप लोगों को दिखाते हैं। और इधर की बात करें तो इधर आप देख लीजिए कुछ ऐसा है दृश्य, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता से भी परिपूर्ण है यह स्थल। और ये आप देख सकते हैं इधर ये हनुमान जी की विशाल काय प्रतिमा है ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे। और इस प्रतिमा की ऊँचाई 108 फीट है। तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते हुए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और जैसा कि हनुमान जी की प्रतिमा के जस्ट नीचे जो है गुफा बनाई गई है तो यहाँ से जो है प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हुए लेकर चलते हैं और अंदर दिखाते हैं क्या क्या सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। तो आप देख लीजिए रामायण काल के ही ये उस समय की जो है प्रतिमा है जब हनुमान जी माँ सीता के पास जो है संदेशा लेकर जाते हैं भगवान श्री राम का। तो वहाँ पर माँ सीता जो है अपनी अंगूठी जो है बजरंग बली को देती नज़र आ रही हैं। और इधर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं अरुण त्रिपाठी। ये सीता सबसे पहले इस पावन जगह के बारे में बताएं। ये सीतामढ़ी नाम से इसको प्रसिद्ध है। इसका पहले नाम था बनकट। ये वाल्मीकि आश्रम के क्षेत्रगत सब आता है। तो यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो जब क्या हुआ कि जब राम जी ने सीता माँ को त्याग परित्याग किया तो माता सीता जी ने आके वाल्मीकि आश्रम में आई तो वाल्मीकि जी ने उनको सहारा दिया। तो वहीं लव कुश का जन्म हुआ। और जब लव कुश का जन्म हुआ तो लव कुश बाल्यावस्था पर यही थे। कुछ दिन में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद महाराज रामचंद्र जी अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। जिस अश्वमेघ का यज्ञ यहीं लव कुश आश्रम के पास विचरण करता है, लव कुश जी उसको अश्वमेघ यज्ञ को पकड़ते हैं। तो राम जी के जो सैनिक थे उनसे युद्ध होता है लव कुश जी का। इसमें फिर हनुमान जी भी आते हैं। तो हनुमान जी जब आते हैं तो जब लव कुश जी को देखते हैं बाल्यावस्था में तो उनको दिव्य मूर्ति लगती, बड़ा आभास होता है कि ये राम जी जैसे दिख रहे हैं, अर्थात ये कोई परम पुरुष हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि मैं राम जी का प्रिय भक्त हूँ, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो हनुमान जी कहते हैं कि यदि राम जी का मैं प्रिय भक्त हूँ तो इनके माता पिता के दर्शन हो। तो हनुमान जी को सीता जी के और राम जी के दर्शन होते हैं। तो हनुमान जी उनसे युद्ध नहीं करते हैं लव कुश से, उनका बंदी बनना स्वीकार करते हैं। तो वह स्थल है जहाँ हनुमान जी को बंदी बनाया गया था। हाँ, जहाँ पर हनुमान जी को लव और कुश के द्वारा बंदी बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं ये वो पावन स्थल है जहाँ पर जो है बजरंग बली को भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों ने जो है बंदी बनाया था।
और अभी इस गुफा से जो हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर जो है चलते हैं, दिखाते हैं, ये निकास द्वार है, हम निकास द्वार पर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 108 फीट की भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है और इनकी ऊंचाई 108 फीट है और इनको जो है कुछ इस तरह का आकार दिया गया है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। गुफा बनाई गई है इनके नीचे और गुफा के आकार में इनको जो है बनाया गया है। तो एक बार पुनः हम आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से तस्वीरें आप देख लीजिए, ये है 108 फीट की प्रतिमा। और ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम के दोनों पुत्र यानी कि लव और कुश ने हनुमान जी को बंदी बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं सीता समाहित स्थल पर, जहाँ पर माँ सीता जो है लांछन लगने के बाद धरती की गोद में समाई थी। तो वहाँ पर लेकर चलते हैं। तो ये आपने देखा, और आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं हम सीता समाहित स्थल पर। ये मुख्य द्वार है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे और यहाँ से एंट्री करने के बाद आप जो है मंदिर प्रांगण के अंदर जाएंगे। तो अभी हम जो है मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ से जो है आपको दिखाते हैं कि जो जो यहाँ पर जो है धार्मिक स्थल है उनका अवलोकन आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले इधर से चलते हैं और इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ से अवलोकन करवा दें हम आपको। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर एक गुफा है और इस गुफा से जो है हम प्रवेश करेंगे और चलेंगे अंदर। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है माँ सीता जी की प्रतिमा है जो आप सामने देख पा रहे होंगे। तो ये इधर से आगे बढ़ते हैं हम और ये गुफा है और अब हम गुफा के अंदर होते हुए लेकर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या सुदृश्य देखने को मिलते हैं। तो अभी हम गुफा के अंदर हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये गुफा से होते हुए इधर आते हैं और अभी हम दूसरे द्वार पर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप दूसरे द्वार पर आते हैं तो यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर शिवलिंग है और शिवलिंग का हम जो है हम आपको पूरा घुमा के दिखा दें। इधर से आप देख सकते हैं ये शिवलिंग है और अभी हम गुफा के अंदर थे और अभी ये जो है निकास द्वार है, ये आप देख लीजिए, इधर भगवान शिव की शिवलिंग है और अभी ये निकास द्वार है। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ से आपको इस परिक्षेत्र का अवलोकन करवा दें। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है नज़ारा, ये आप देख सकते हैं ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा है और यहीं से जो है उनकी जटाओं से पानी बहता है, फिर पानी बहकर यहाँ आता है। तो अभी आपने देखा और अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर माँ सीता जो है समाहित हुई थी। तो ये हम आ गए हैं उस जगह पर
जिसको सीता समाहित स्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये है सीतामढ़ी, और आप देख सकते हैं सबसे पहले आप मंदिर का अवलोकन करें, कुछ ऐसा है मंदिर जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। ये है वो स्थान जहाँ पर माँ सीता जो है धरती में समाहित हुई थी, तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और अभी हम आपको अवलोकन करवाते हैं, ये आप देख लीजिए, ये माँ सीता की प्रतिमा है, ये आप देख लीजिए। और अभी यहाँ पर जो है काम चल रहा है, मंदिर से संबंधित कुछ काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और वैसे अगर बात करें तो चारों तरफ अगर हम घुमा के आपको दिखाएं तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक, बहुत ही आकर्षक जो है मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर जो है ये आप देख लीजिए, और अभी जो है मंदिर से संबंधित कुछ काम चल रहा है, लेकिन मैं ये आपको दिखा दूँ कि ये वो स्थल है जहाँ पर माँ सीता जो है धरती में समाहित है। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये लोग जो है यहीं पर रहते हैं और इनसे बेहतर जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता। तो अभी इनसे मिलाने काम करते हैं और जानकारी लेते हैं। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इस जगह के बारे में जो है दर्शकों को बताएं। ये सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी, यहाँ जो है भगवान राम ने जो है जब सीता माता को जो है अयोध्या से जो है धोबी ने कलंक लगाया तो सीता का परित्याग कर दिया, तो यहाँ जो है लक्ष्मण जी जो है इस जंगल में छोड़ गए थे। तो यहाँ गंगा के जो है तट पर जो है वाल्मीकि आश्रम है, यहाँ वाल्मीकि आश्रम में सीता माता 12 वर्ष निवास किया, फिर यहीं पे जो है लव कुश का जन्म हुआ। फिर भगवान राम ने जब अश्वमेध किया जो है घोड़ा छोड़ा यहाँ पे, तो उसको जो है लव कुश ने यहाँ पकड़ लिया, फिर जो है युद्ध हुआ, सारी सेना यहाँ पर आई, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और जो है हनुमान, सारे जो है योद्धा यहाँ पे आए, सारे योद्धाओं को जो है पराजित कर दिया। इसके बाद जो है हनुमान जी ने सोचा कि इतने बलशाली कौन हो सकते हैं, उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात जो है भगवान के पुत्र हैं, उन्होंने युद्ध नहीं किया, तो उनको जो है यहाँ पे बंदी बना दिया। तो वहीं गंगा किनारे जाएंगे, वहाँ जो है दृश्य बनाया गया है, तो वहाँ जो है हनुमान जी को बंदी बना दिए हैं और घोड़ा वहीं पर पकड़े हुए हैं। और यहीं पर जो है 108 फीट की जो है हनुमान जी की प्रतिमा है बगल में। ये जो है जहाँ पे इस समय देख रहे हैं, ये सीता माता का जो है महारानी रूप है जो है, ये अयोध्या की महारानी रूप में है। और नीचे जो है वन देवी जो है वैराग रूप में नीचे हैं, जहाँ पे सीता जो है पताल पे जो है समाहित जो है धरती पे जो जा रहे हैं। तो अभी उस जगह को देखने के लिए हमें नीचे जाना। हाँ, इसके नीचे जाएंगे, ये तो ऊपर का पूजा स्थल है, नीचे जो है समाहित स्थल नीचे, इसके नीचे तल लगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो है यहाँ के पुजारी जी थे, यानी कि पंडित जी यहाँ के थे, तो इनके द्वारा आपने सुना जो इन्होंने जानकारी दी। तो ये आप देख सकते हैं, इधर है सीता समाहित स्थल, और ये एरो का निशान है, तीर का निशान है। अभी इधर चलेंगे हम, और इधर चलने के बाद हम आपको उस जगह का अवलोकन करवाएंगे जहाँ पर माँ सीता धरती में समाई थी। और अभी हम आ चुके हैं इस जगह पर, तो सबसे पहले हम यहाँ से प्रवेश करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के नीचे और उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर माँ सीता जो है धरती में समाई थी। तो ये आप देख लीजिए, तो ये है वो स्थान जहाँ पर माँ सीता धरती में समाई थी, ये आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। ये है माँ सीता की तस्वीरें, जब माँ सीता जो है धरती में समाहित थी, तो ये आप देख सकते हैं, ये सीता समाहित स्थल है। और जैसे कि हमने बताया कि इस वक्त हम मंदिर के जो है नीचे आ चुके हैं, और अभी हम ऊपर का अवलोकन करवा रहे थे, ऊपर जो है पूजा स्थल है, लेकिन ये नीचे जो है माँ सीता का समाहित स्थल है, जब वो धरती पर जो है समा गई थी, तो ये आप देख सकते हैं।
ये देख लीजिए, ये है सीता समाहित स्थल। और अभी हम जो है इधर से निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद हम आपको पुनः जो है मंदिर के पूरे परिक्षेत्र का अवलोकन करवाते हैं। तो ये आप देख लीजिए, मंदिर के चारों तरफ कुछ ऐसा सुंदर नज़ारा है और कमल के जो है सुंदर सुंदर फूल और कलियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। और लाइटिंग की व्यवस्था बढ़ी है यहाँ पर, देखिए संध्याकालीन जो यहाँ का नज़ारा होगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और बहुत ज़्यादा आकर्षक होगा। तो अभी हम जो है बिल्कुल निचले छोर पर हैं और यहाँ से चारों तरफ हम आपको मंदिर के अवलोकन करवाएंगे, दिखाएंगे कि कैसा दिखता है सीता समाहित स्थल। और यहाँ पर नौका वगैरह भी है, अगर नाव से कोई घूमना चाहता है तो उनके लिए नौका वगैरह यहाँ पर है। तो अभी हम जो है मंदिर के चारों तरफ आपको दिखा दें कि कैसा दिखता है ये स्थान। तो आप देख लीजिए, कुछ ऐसा है सीता समाहित स्थल। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जो है माता सीता के केस पकड़कर जो है खींचे थे, ये है वो स्थान। ये देख लीजिए, यहाँ पर लोग जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं और अपने जो है मनते यहाँ पर जो है रख के जाते हैं। ये है वो स्थान जहाँ पर माँ सीता के केस पकड़कर भगवान श्री राम ने खींचे थे। और अभी यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर चलेंगे, दिखाएंगे आगे क्या क्या सीन देखने को मिलती है। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर चलते हैं। और अभी इधर से हम जो है ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो है हम आपको मंदिर का एक बार नज़ारा दिखाएं। तो ये आप देख लीजिए, कुछ ऐसा है मंदिर, ऐसा दिखता है सीतामढ़ी का सीता समाहित स्थल। ये आप देख सकते हैं, वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही ज़्यादा रमणीय स्थल है ये। और इधर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर परिदृश्य बनाया गया है यहाँ पर और पर्यटन का बहुत अच्छा केंद्र है यहाँ। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और अभी हम इसके दूसरे छोर से आपको अवलोकन करवाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे छोर में और इधर से दिखाते हैं मंदिर का नज़ारा, कैसा दिखता है मंदिर। तो ये आप देख लीजिए, कुछ ऐसा है मंदिर, ये सीतामढ़ी स्थल यानी कि सीता समाहित स्थल है। और यहाँ पर पर्यटकों का काफ़ी दूर दूर से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बंगाल, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं, जो घूमते नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर स्थान है ये, अगर इस स्थान की बात करें। और इस सरोवर के बीचों बीच यानी कि तालाब के बीचों बीच जो है बना यह मंदिर आकर्षण का केंद्र बनता है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये आपने देखा जो है सीता समाहित स्थल। और आगे बढ़ते हैं, हम लेकर चलेंगे आप लोगों को महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर माँ सीता अपने दूसरे कठिन वनवास काल के समय समय बिताया था और जहाँ पर लोगों का जन्म हुआ था और जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया था। तो अभी हम आ चुके हैं सीतामढ़ी के ही समीप
महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जैसे कि हमने बताया था आपको कि अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये वह स्थान है जहाँ पर माँ सीता अपने द्वितीय कठिन वनवास काल के समय पर यहाँ पर अपने दिन बिताए थे और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। यहीं पर अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा भी पकड़ा गया था। तो हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं इस रमणीय स्थल के बारे में, और आप लोग भी सुने क्या क्या बातें सामने आती हैं, अभी पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी बताएं इस स्थान के बारे में। तपो स्थल है, वाल्मीकि महाराज यहाँ पे मरा मरा तपस्या किए, ज्ञान प्राप्त किए, ब्रह्म के समान ज्ञान प्राप्त किए। ये वही स्थान है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये उन्होंने बैठ कर रामायण लिखा। यहाँ तुलसी की रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं। कौन सा? ये प्राचीन सीता भट्ट है, यही बैठ के वाल्मीकि ने रामायण लिखा। यहाँ वहाँ पेड़ की इधर पत्थर बना हुआ है। अच्छा अच्छा, देखिए पास दिखा दिखाते इधर साइड जाएंगे, वहीं बैठ के वाल्मीकि ने रामायण लिखा है। अच्छा अच्छा, और यही जो लोगों का जन्म हुआ और यही सारी रामायण की कहानी हुई है। मतलब राम भी आए, सीता जी आई, सीता जी हम 12 साल आश्रम में रही हैं। अच्छा हाँ, यही जो पूरा। तो एक बात, जैसा कि आपने बताया कि महर्षि वाल्मीकि को भी यही ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला। हाँ, कितने थे यहाँ की कवितावली के विषय में पूरा प्रमाण इसका है। जहाँ वाल्मीकि भय व्यास से महामुनि साधु मरा मरा जपे से सातकी सी को निवास लौकुश को जन्म तल तुलसी छुए छांक। पूरा इसका वाल्मीकि रामायण में और वाल्मीकि रामायण में और तुलसीदास ने कवितावली में वर्णन किया है। यानी कि इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि को ज्ञान प्राप्त होता है जब वो मरा मरा जपे। वाल्मीकि क्या थे? पहले डकैत थे, लूटते थे, रत्ना डाकू रत्नाकर। हाँ हाँ, तो बाद में साथ साथ उनको ज्ञान बताया ना, ज्ञान दिए क्या तुम क्यों चोरी करते, क्यों पाप करते हो, कहा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो जो तुमने कहा तुमको बांध देते हैं, जो अपने घर पूछ के आओ कि क्यों पाप लगी, किस पाप करते कौन भोग होगा। घर पूछे कि भाई पाप करते से कौन भाग भोगे होगा। घर वाले कहा से क्या मतलब, भाई आपको मालिक है, घर के मालिक खिलाइए पाप करके। हाँ, तो फिर बाद में सुधर जाते हैं, भोगे हैं, तो आगे उनको ज्ञान मिलता है तो आगे गिर जाते हैं। यही स्थान है, स्थान है। तो ये सबसे पहले उस स्थान में, जैसा कि यही वो नदी है गंगा और तमसा, जहाँ पर पहले प्राचीन काल में देखे हुए कौन सा पक्षी जा रहा था, उड़ते हुए जा रहा था, और वो करके वाल्मीकि जा रहे थे, पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था, बहलिया ने बाढ़ मार दिया था, तो उनको निकाला था। माँ निषाद प्रतिष्ठान सरस्वती कामा है ना, कहानी है। ये क्रौंच मिथुन देख मौधि काम मोहित, महर्षि वाल्मीकि ने ही कहा था। स्थान है ये, उसी में तो यहीं पर जो है मारा गया था बाण। हाँ, यही मारा गया। तो ये हम रामायण की शुरुआत हुई है, यही रामायण लिखा और ये पूरा रामायण की शुरुआत हुई है यहीं से। यही हाँ, मतलब ये त्रेताजुग का बहुत बड़ा तीर्थस्थल महत्वपूर्ण तीर्थ है। यानी कि महर्षि वाल्मीकि जो रामायण की शुरुआत यहीं से जो है हुई है, यही उनको ज्ञान प्राप्त होता है, यहीं से वो रामायण लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उस जगह का अवलोकन करवाएं जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आइए कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़कर जो है अवलोकन करवाएं। ये आइए देख लीजिए, ये जो है पंडित जी हमारे साथ हैं, जैसा कि इन्होंने बताया ये वही वृक्ष है, ये वृक्ष भी वही है आज भी, इसकी शाखा वही चल रहा है, शाखा वही है, तो गिर गया शाखा आज चल रहा वही। अच्छा, यानी कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये वट वृक्ष है, इसको शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो ये वट है। अगर वैसे हाँ जैसे वैसे अगर बात करें तो इसको गाँव में ज्यादातर लोग जो अपनी भाषा में बरगद बोलते हैं, बरगद यानी कि बरगद। और ये वट वृक्ष है, ये आप देख सकते हैं, ये त्रेता युग का वृक्ष है, पूरा जमीन पकड़ लिया है, ये त्रेता युग का वृक्ष है। आप देख सकते हैं कि अभी तक ये पेड़ जीवित है। हाँ। और ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने जो है रामायण लिखी थी। हाँ। और यहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कि इससे पहले वो डकैत थे और फिर उसके बाद जो है सद्बुद्धि मिलने के बाद यहीं पर जो है वो भगवान श्री राम का जो है जाप करते हैं, गुणगान करते हैं, मरा मरा जपते थे। और यहीं पर जो है लवकुश, भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों लव और कुश को महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर शिक्षा दीक्षा दी थी। तो यह वही वट वृक्ष है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जंगल था, जंगल ये त्रेता युग का जो है वट वृक्ष है और अभी तक जीवित है। जैसा कि इसके जीवित होने का कारण ये है कि ये जो जड़ें आप देख रहे हैं, ये मूसला जो निकल रही है ये इस तरह आती है, जमीन में स्पर्श करती है, फिर यहीं से एक नई शाखा पनप लेती है। तो अभी इसका जो है हम पूरा अवलोकन आपको करवा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी विशाल काय वट वृक्ष है ये। लेकिन ये वृक्ष जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये वही वट वृक्ष है जिसके नीचे जो है महर्षि वाल्मीकि ने बैठकर रामायण लिखी थी और यहीं पर भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों यानी लव और कुश को जो है ज्ञान दिया जाता है और यहीं पर जो है महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखते हैं। ये मतलब कि वट वृक्ष के बगल में। हाँ। जो दिख रहे हैं आप मंदिर। हाँ, ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम है जी।
इसी आश्रम में सीता जी को लक्ष्मण जी अयोध्या से जब लाए थे, अयोध्या में धोबी ने ताना मारा था, तो सीता मैया को लक्ष्मण जी लाया करके उसमें घोर जंगल था, इसी आश्रम में थोड़ा सा दूर छोड़ दी थी। अच्छा। बाद में उनके फिर बाल्मीकि के चेले वगैरह उनको आश्रम में ले आए, तो उसमें सीता जी गर्भवती थी, तो बाद में फिर वही दो बच्चे इनके पैदा हुए, लव कुश, दोनों बच्चों का यही जन्म हुआ, यही जन्म आश्रम आश्रम में। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन शत्रुघ्न जी भी इस आश्रम में आए थे अयोध्या से, तो रणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न जी जा रहे थे मथुरा, तो उस दिन आए थे यहाँ पर शत्रुघ्न जी। हाँ, शत्रुघ्न जी यही पर आए थे, यहीं पर आए थे उसी दिन लघुकुमार का जन्म। यहीं पर युद्ध हुआ था आश्रम में घोड़ा को लेकर, घोड़ा को जो घोड़ा छोड़े थे ना, घोड़ा पकड़ लिए सामने। अच्छा, घोड़े पकड़ लिए, कैमरा मैन से कहेंगे उधर अवलोकन करवाएंगे, आप देख सकते हैं ये गेट के ऊपर बनाया भी गया है, ये घोड़े को पकड़ लिए थे। ये अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था भगवान श्री राम का, ये आप देख सकते हैं दोनों भाई उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो है पकड़ कर रखे हैं। और अभी हम इस महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है ये आप देख सकते हैं, और जैसा कि पंडित जी हमारे साथ हैं और इनके द्वारा जानकारी यहाँ में सबसे मुख्य चीज ये है सुन रहे हैं कि जिस दिन लघु कुमार आगे बढ़ते हैं, जिस दिन लघु कुमार का जन्म यहाँ हुआ था उसे यहाँ लघु मेला लगता है, तब से प्राचीन काल से माने थे। अच्छा, मेला चल रहा है लघु मेला, आज भी मेला लगता है, आज भी लगता है। हाँ, लोगों को जन्म के उपलक्ष्य में लगता है। अच्छा, जिस दिन लोगों को जन्म होता है कब कब लगता है? वो ये सारा शुक्ल पक्ष नवमी के दिन, शुक्ल पक्ष नवमी को लोगों से पैदा हुए थे, और उसी दिन लोगों से मेला आज भी लगता है। बहुत पुराने तेज से चल रहा है मेला, बहुत पुराना, बहुत पुराना मेला चल रहा है, आज भी मेला लगता है। ठीक, तो अभी अभी लेकर चले पंडित जी थोड़ा सा आश्रम दर्शन कर लीजिए, तो सामने गंगा घाट वगैरह आप दिखाएंगे बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर गंगा घाट। हाँ, मतलब बहुत ही प्राचीन, मतलब महत्वपूर्ण स्थल है। हाँ, सीतामढ़ी, इसको थोड़ा सा रामायण सर्किट सरकार ने बनाया है, रामायण सर्किट उसमें इसको जोड़ा जाए। हाँ, और जो बढ़िया तीर्थ स्थल। तो क्या क्या चाहते हैं आप जो है बताइए, मतलब अरे मतलब इस पौराणिक स्थल आश्रम का जीर्णोद्धार हो, सुंदरीकरण हो, और यहाँ बढ़िया अच्छे अच्छे घाट बन जाए, अच्छे अच्छे लोग आए, तो मतलब उनके रहने पर्यटन का स्थल बन सकता है। हाँ, बन सकता है। और इसको रामायण सर्किट आप देख सकते हैं, अभी हम उस स्थान पर आ चुके हैं। हाँ, जहाँ आश्रम है, जहाँ पर आश्रम है, और ये आप सामने सब मूर्ति दिखा दीजिए, बनी हुई मूर्ति, मूर्ति दिखा दीजिए, ये आप देख लीजिए इधर, ये जो है माता सीता की जो है प्रतिमा है, और उनके जस्ट बगल में लव और कुश हैं, और इधर जो है हनुमान जी की प्रतिमा है, ये आप देख पा रहे होंगे। और अभी दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वाल्मीकि महाराज है, इधर आप देख लीजिए, इधर आपको संपूर्ण दृश्य देखने को मिलेगा, वाल्मीकि और राम दरबार हुआ। यहाँ पर जो है महर्षि वाल्मीकि है, राम लक्ष्मण चारों, और राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, और माता सीता यहाँ पर है। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि ये जो है 12 वर्ष रही आश्रम में रही यहाँ पर। हाँ, सीतामढ़ी में सीता मैया वाल्मीकि आश्रम में 12 वर्ष रही, और यही उन्होंने पूरा दुख का जीवन ही बिताया। अच्छा। उसके बाद फिर दुख के मारे वो सीता जी वहाँ जाकर आगे जो मंदिर है सीता समाधि, वहीं जाकर उन्होंने समाधि ले लिया, और लघुकुश राम अयोध्या, लघुकुश जी राम के साथ अयोध्या चले गए। ये देख लीजिए, ये तीनों जो पादुका चिन्ह आप देख रहे हैं, ये चरण पादुका जो आप देख रहे हैं, ये खुदाई में जो है यहाँ पर प्राप्त हुए, जैसे पंडित जी के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, तो ये आप देख सकते हैं ये खुदाई में प्राप्त अवशेष हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि सीतामढ़ी से संबंधित और इस स्थान से संबंधित यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये जो है प्रमाण है इस जगह का, ये आप देख सकते हैं। और इधर की बात करें तो इधर भी आप देख लीजिए, एक मिनट, भारतीय संस्कृत विज्ञान एवं राष्ट्रीयता यात्रा, ये आप देख सकते हैं। मुख्य मंदिर है पुराना सीता समाधि के आगे है। और अभी हम बढ़ चले हैं किनारे की ओर, तो यहाँ से आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या परिदृश्य देखने को मिलता है, तो आप हमारे साथ बने रहें ब्लॉग में। यहाँ पर जो है अभी हम बिल्कुल किनारे आ चुके हैं सीतामढ़ी के, और इधर आप देख लीजिए कुछ ऐसा सीन है। और अभी हम किनारे आ चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये तटवर्ती इलाका है गंगा का, और जैसा कि हमने बताया भी था कि इस वक्त जो है हम भदोही जनपद की ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत सीतामढ़ी की पवित्र स्थल पर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और इस वक्त गंगा के जलस्तर में काफ़ी तेज़ उफान है, यानी कि बाढ़ है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज की यात्रा को, ताकि इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ हम आप लोगों के साथ उपस्थित होते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।